अब जैसे मैं आप लोग को बता देता हूं कि हम लोग कैसे CM2 में प्रोग्रेस करेंगे, बहुत लोग पूछ रहे थे, ठीक है, ध्यान देना। CM2 को क्या है ना, हम लोग 10 वीक में बांट सकते हैं, ठीक है। सो आप चालू करो रन ऑफ से, रोइंग थ्योरी से, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपका समझ लो 5-5 घंटे का टॉपिक है, इसको आप आराम से एक एक वीक में कंप्लीट कर सकते हो। एंड इन दोनों से मिला के लगभग 25% ऑफ द पेपर इज कंस्टिट्यूटेड, ए एंड बी कंबाइंड आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये दोनों दूसरे सब्जेक्ट से आए हुए टॉपिक है, तो इसका बहुत अहमियत है। तो अभी आप इसको करो, ठीक है। उसके बाद में आप कर सकते हो जो आपके बेसिक चैप्टर्स है, जैसे EMH, उसके बाद में आपका आता है यूटिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला जो चैप्टर है, मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये भी आपका एक वीक में खत्म हो जाएगा। इसमें इसमें और इसमें तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। इसके बाद में जो आता है आपका पोर्टफोलियो थ्योरी, तो ये सारे टॉपिक्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक वीक से ज्यादा इसको करने में नहीं लगना चाहिए। CM2 का जो सिलेबस है, कोई भी चाहे तो वो 2.5 महीना में विथ रिवीजन एकदम आराम से खत्म कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपको चालू करना चाहिए, जैसे एक वीक में आप कंप्लीट करो ब्राउनियन मोशन, बिकॉज ब्राउनियन मोशन एक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है आपके सिलेबस में, ठीक है। एंड ये काफी इजी है, मतलब इसका जो पूरा बुकलेट है आप 2 से 3 घंटे में बना सकते हो, बहुत ही नैरो सम्स आते हैं इसमें, मतलब एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज है जो इसमें अप्लाई होता है ब्राउनियन मोशन में, ठीक है। एंड इसके बाद जो वीक 7 और 8 है ना, ये 2 वीक आप स्पेंड करो डेरिवेटिव्स में, जो बेसिकली आपके बार हमने पूरा लाइव किया डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। उसका बुकलेट अब आपको बनाना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम लोग अटक रहे थे, क्योंकि हम लोग को एक तो ब्राउनियन की नॉलेज नहीं थी एंड ब्लैक स्कोल्स, इसलिए मैंने आपको एक क्लास में थोड़ा हल्का फीलर दिया था ब्लैक स्कोल्स का, ठीक है। ये वाला होने के बाद में ये सब जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ये जो है ना, अब एक वीक में तो आप ये कर सकते हो, इसमें आपका आएगा ब्लैक स्कोल्स मॉडल एंड 5-स्टेप प्रूफ, ठीक है। और एक वीक में आप कर सकते हो टर्म स्ट्रक्चर एंड क्रेडिट रिस्क, और ये वाला जो वीक आएगा इसमें आप रिवीजन कर सकते हो। बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा हैवी हो रहा है। डेरिवेटिव्स कोर है CM2, अगर आप क्लियर करते हो तो डेरिवेटिव्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे दिसंबर से, दिसंबर समझ लो सेकेंड वीक से, दिसंबर सेकेंड वीक से हम लोग ये वाला ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। दिसंबर सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स एक हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट 2 क्लासेस, ओके, 2 क्लासेस which will happen in weekday at 9:30 PM, ठीक है। And Saturdays and Sundays को क्लास होगा आपका मेनली, ये जो होंगे ये 2 घंटे के होंगे। जैसे कलर परसों आपका क्लास है, मृदुल सर जो ले रहे, कलर परसों आपका क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दोस क्लासेस लाइव, जितना भी सारा क्लास हो रहा है सब लाइव अटेंड करो। सो वीकली 6 आवर्स का क्लास आपका यहां बनेगा, ठीक है। दिसंबर सेकेंड वीक से बता रहा हूं, अभी भी हो रहे हैं क्लासेस, दिसंबर सेकेंड वीक से मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स है जो हम लोग कर रहे थे, जैसे पोर्टफोलियो हो गया और डेरिवेटिव्स हो गया, तो ये सब अभी चलेंगे, बट दिसंबर ऑनवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं ये वाला जो होगा 2
फरवरी सेकेंड वीक, जो मोटा मोटी आपके 10 हफ्ते का जो पूरा कैलकुलेशन आ रहा है, ये हम लोग ये ऑर्डर इसमें पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हो गया, एंड जनवरी से ये आपके टोटल में 60 आवर्स हो गए, ये लाइव होंगे आपके, ठीक है। एंड जनवरी से वीकली वन क्लास मैं लूंगा, दैट विल बी अ रिव्यू क्लास। सो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक क्लास जो रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स का रहेगा, तो 4 आवर्स में आई एम गोइंग टू रिव्यू वन टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, अब 4 आवर्स बोला तो जरूरी नहीं कि रन ऑफ में 4 घंटा मेरे को स्पेंड करना है, क्योंकि रन ऑफ मेरे को पता है आई कैन रिव्यू इन 2 to 3 आवर्स, रूइन आई कैन रिव्यू इन 3 to 4 आवर्स। तो वहां से टाइम निकाल के मैं बाकी सब टॉपिक्स में जहां जैसे लगेगा मैं स्पेंड करूंगा, बट रफ यही रहेगा एंड ऑर्डर यही फॉलो होगा, ये ऑर्डर फॉलो होगा उसमें, ठीक है। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि दिसंबर एंड तक आप पूरा सिलेबस पहले अच्छे से खत्म करो, ताकि जनवरी से लोग प्रॉपरली रिव्यू कर पाए। एंड ये जो 6 घंटे की जो क्लासेस होंगी आपकी, ये आपको बहुत अच्छे से अटेंड करनी है, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों की क्लासेस होंगी मिला के, तो रिकॉर्डेड है ये वाला आपका, चालू हो जाएगा दिसंबर सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स, और अभी भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वीकेंड को, अगला वीकेंड को, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो जितना हो पाएगा, बट आप लोग चालू करो और ये ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। अब जैसे देखो, जो लोग भी हमने हमको जो लोग ने 1.5-2 महीना पहले स्टार्ट किया होगा, उनका जैसे डेरिवेटिव्स हो गया होगा, ठीक है, उनका पोर्टफोलियो मोटा मोटी होगा, ये उन्होंने कर लिया है, तो अभी आपको पहले ये दोनों, अगर ये आपका हो गया तो ये दोनों और एक ये, समझा ना, मतलब आराम से तुम लोग कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। वीक वाइज टारगेट बना के चलो, एक हफ्ते में एक टॉपिक तुम लोग एकदम आराम से कर सकते हैं, फिर जो प्रॉब्लम होगा वो तो हम लोग रिव्यू क्लास में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे संडे नॉर्मल क्लास होगा, एक क्लास मैं लूंगा और रात में 2 दिन क्लास हो गई, ठीक है, शेड्यूल पूरा मिल जाएगा। एंड वीकेंड को अपना फ्री रखना, वीकेंड जिस पैटर्न में क्लास हो रहा है ना, सैटरडे संडे अपना फ्री रखना, ठीक है। तो ये फॉलो करो, एंड अभी का जो आपको टारगेट मिला हुआ है, जैसे ब्राउनिंग एक बार अच्छे से कर लो, ब्राउनिंग कर लेगा तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो मैं थोड़ा थोड़ा हल्का रिव्यू करा ही रहा हूं, ठीक है। एक क्लास मैं लूंगा 20 तारीख को, 20th of November को लूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं मोटा मोटी आपको पोर्टफोलियो थोड़ा रिव्यू करा दूंगा। अब जैसे कल परसों आपका डेरिवेटिव्स का क्लास है, पेपर भी और पेपर मिक्स करके होगा उसमें, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो क्लास बहुत है, बस कल आपको पढ़ के रखना पूरा अच्छे से, ठीक है। एंड बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है CM2, मतलब वो लोग आपको ऐसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन दिस, या फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जैसे मैंने आपसे आईसी कर्व का क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे डिफाइन दिस डिफाइन दैट, वो लोग से पूछेंगे ये घट रहा है ये बढ़ रहा है तो कैसे हो रहा है बताओ समझाओ, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा करके पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये पैटर्न को आप लोग फॉलो कीजिए, एंड कल वाला क्लास अटेंड करना, कल परसों लाइन से, ठीक है। सारा क्लास सब लोग अटेंड करना, ठीक है। थैंक यू।